नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिल्पा रावत। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, पांच साल पांच काम पांच सवाल। सात चरण में हो रहे लोकसभा चुनाव के तीन चरणों की मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि 29 अप्रैल को चौथे चरण के लिए मतदान होगा। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग होनी है, यानी कि मतदाता चुनेंगे अपना जनप्रतिनिधि। लेकिन वो क्या मुद्दे हैं जो जनता के लिए महत्वपूर्ण है, पिछले पांच सालों के दौरान उनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ, इन्हीं सवालों और सांसद की रिपोर्ट कार्ड के साथ आज हम पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश की सीट नंबर 28 खीरी लोकसभा सीट पर 2014 में बीजेपी ने जीत का परचम फहराया था। बीजेपी के टिकट पर अजय मिश्र सांसद चुने गए थे, जो कि एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। दावा है कि पिछले पांच सालों में खीरी लोकसभा क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ और जनता इस बार भी उन्हें चुनकर संसद भेजेगी। चौथे चरण में लोकसभा की जिन सीटों पर चुनाव होना है, उनमें से एक अहम सीट है खीरी की, जिसे लखीमपुर खीरी कहा जाता है। और यहाँ भाजपा ने अपने पुराने जो प्रत्याशी हैं अजय मिश्र, उन पे भरोसा किया है। और अजय जी, पार्टी ने दोबारा से आप पे भरोसा किया है जी। और किस तरह खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं आप? देखिए, हमने पांच साल में, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था दोबारा जब चुनाव जाना तो रिपोर्ट कार्ड अपना साथ में लेके जाना, ऐसे उन्होंने सभी सांसदों से कहा था। मैंने पांच वर्ष तक पूरे परिश्रम से अपने क्षेत्र की सेवा की है और प्रदेश और हमारी जो केंद्र की योजनाएं थी उसमें बहुत सारी योजनाएं मैं यहां पर लाने में सफल रहा। और जो योजनाएं लगातार चल रही थी उनमें भी एक बड़ा हिस्सा लखीमपुर को मिला। कई बड़े संस्थान जैसे 200 बेड का हॉस्पिटल है, कृषि विज्ञान केंद्र है, केंद्रीय विद्यालय है, हर गांव का विद्युतीकरण हो गया, बाढ़ एक बड़ी समस्या थी वो मिला, एक नई रेलवे लाइन मिली। ऐसे बहुत सारे कामों को करने के बाद हमारे क्षेत्र के लोगों का विश्वास और भरोसा हमारे ऊपर है, वही मेरा आधार बनेगा। सर, जहां तक मुझे मालूम है कि आपने सदन में रहते हुए 264 के आसपास जो बहस में आप शामिल हुए और 464 के आसपास आपने सवाल किए, 484 सवाल आपने उठाए और कई जो ऐसे बिल थे जो सरकार की तरफ से आपने पेश किए, बजट जो आपको मिलता है, जो सांसद बजट होता है, सांसद निधि से कहते हैं, वो सर आप 87% खर्च कर पाए? नहीं, 100%। अब वो 100% कंफर्म हो गया, 100% खर्च भी कर दिया, 100% खर्च किया है। 10 लाख ओवर ड्यू हो गया है, 10 लाख मुझे अगर वो दोबारा होगा तो देना पड़ेगा, नहीं तो कोई ना कोई एक योजना जो हमने दी है वो रह जाएगी। और उसका सारा विवरण भी मैंने हर चौराहे पर बड़े होर्डिंग लगा करके उसका हिसाब भी लिखा। एक सवाल सर ये है कि सांसद बनने के बाद आप अपने जो पांच अहम काम हैं उनके बारे में थोड़ा बताएं कि पांच कौन कौन से अहम काम, आप क्रमवार बताएं। जी देखिए, एक तो हमारे सामने जो पहली बड़ी समस्या थी वो ये थी कि हमारा क्षेत्र जो है वो बाढ़ से बहुत प्रभावित था। बाढ़ से प्रभावित होने के कारण यहाँ पर एक बड़ी मांग थी कि हम बाढ़ पे नियंत्रण करें। मैंने नेपाल के साथ, भारत का डेलीगेशन गया, उनसे एग्रीमेंट हुआ, नेपाल की कई नदियाँ यहाँ पर आती हैं, उस पानी को नियंत्रित किया। शारदा जो नदी हमारी मुख्य नदी है उस पर हम लोगों ने कई काम करके बाढ़ पर नियंत्रण किया। ये मेरी पहला जो था वो एक टारगेट था, उसको मैंने किया। दूसरा, हमारे यहाँ जो मीटर गेज की रेलवे लाइन थी उसको ब्रॉड गेज में चेंज करना था, उसको करने के साथ साथ एक लखनऊ से बरेली वाली उसको हमने किया। और उसके साथ ही साथ एक नई रेलवे लाइन जिसकी कोई संभावना नहीं थी लंबे स्तर से, जो पलिया से लेकर निघासन सिंघाई होते हुए बिलराया और बहराइच को जोड़ेगी, वो एक नई रेलवे लाइन हमको मिली, वो भी काम हमारा शुरू हो गया। इसके अलावा यहाँ हमारा, यहाँ 4811 ऐसी बस्तियाँ थी जहाँ बिजली नहीं थी, उसको हम लेकर के आए। आज हमारे हर गांव में, लखीमपुर में कोई गांव ऐसा नहीं बचा जहां बिजली ना पहुंच गई हो। ये तीसरा काम। अगर चौथा काम आप देखेंगे तो 200 बेड का एक ऐसा हॉस्पिटल जो हमारे 5-6 जिलों में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में केवल 3 ही ऐसे हॉस्पिटल बने थे, उनको मैं लेकर के आया। और हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल है वो बन के लगभग पूरा तैयार हो गया, 4 OT का हॉस्पिटल है, मातृ शिशु चिकित्सालय, उसको हम लोगों ने बनाया। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र की यहाँ स्थापना की, सारी मंडियों को मंडी से जोड़ा, 2-2 केंद्रीय विद्यालय, पासपोर्ट ऑफिस, ऐसे कई संस्थान हम लोग लेकर। सर, आखिर सवाल की 37% जो मत है वो आपको 2014 के चुनाव में मिला था, मोदी जी का पूरा वेव था, इस बार गठबंधन आपके सामने है और गठबंधन पूरी मजबूती के साथ जहां भी भाजपा कैंडिडेट हैं दमदारी के साथ चुनाव लड़ रहा है, कितना आश्वस्त हैं आप अपनी लड़ाई को लेकर? मैं 100% आश्वस्त हूं और 37 का 74 हो जाएगा। खीरी लोकसभा क्षेत्र के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं।
और सभी पांचों विधानसभा सीट पर 2017 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लिहाजा बीजेपी को पूरा भरोसा है। हालांकि लोकसभा चुनाव में समीकरण बदले हुए हैं, लिहाजा कांग्रेस प्रत्याशी जफर अली नकवी को विश्वास है कि इस बार चुनावी बाजी उनके हाथ लगेगी। देखिए पूरा उनका जो विकास है वो शून्य है। जिस तरीके से मोदी जी ने जुमलों की राजनीति करी, इसलिए उन्होंने जुमलों की राजनीति यहाँ पे करी है। दावों, वायदों और आरोप प्रत्यारोप के बीच चुनाव प्रचार जारी है। सांसद अजय मिश्र का दावा है कि बरेली से लखीमपुर खीरी को जोड़ने वाली रेलवे लाइन को ब्रॉड गेज में बदलने का काम उनके प्रयासों का नतीजा है। हालांकि कई लोगों को इस बात से इनकार भी है। लखीमपुर में रहने वाले लाखों लोगों की शुरू से एक इच्छा थी कि कम से कम वो भी जो बड़ी ट्रेनें यहां से निकले हैं उस पर सवारी कर पाए, लेकिन ये इच्छा कई सालों तक दबी रही। अब एक बहुत राहत की बात है कि जो यहां का ट्रैक है उसको बड़ी ट्रेनों के लिए पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। और ये प्रयास जो है शुरू हुआ था पहले, लेकिन इस काम को जो अंजाम दिया गया वो अंजाम दिया गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और जो सांसद हैं यहाँ के अजय मिश्र, वो इसे एक बड़े इनिशिएटिव के रूप में लेते हैं कि उनके प्रयासों की वजह से ये संभव हो पाया। जो ब्रॉड गेज का काम था वो संभव हो पाया है, और निश्चित तौर पे जिस तरह की राहत मिलेगी यहाँ के लोगों को, उसको उसकी जो अनुभूति होगी वो शब्दों में नहीं बयां की जा सकती, क्योंकि बहुत लंबा इंतजार किया है लोगों ने। फिलहाल 3 सालों से 2016 में यहाँ पे लास्ट ट्रेन चली थी छोटी लाइन की, उसके बाद ये ट्रैक पूरी तरह से बंद रहा और इस पर काम चलता रहा ब्रॉड गेज का, और अब ये पूरी तरह तैयार है। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोकल लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, कितना इंतजार आप लोगों को करना पड़ा और कितनी बड़ी सौगात मानते हैं इसे आप? ये सौगात तो बहुत बड़ी है, इसके लिए जो है 4 साल का इंतजार करना पड़ा है, और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे वहाँ से जो है कनेक्टिविटी जो है लखनऊ से दिल्ली जाना होता था तो सीतापुर सिधौली इधर से होते हुए जो कोई भी बढ़िया जो है रूट नहीं था। अब इससे ये होगा कि बहुत बढ़िया रूट हो जाएगा कि हमारे लिए जो है दिल्ली नज़दीक हो जाएगा, दिल्ली दूर नहीं रही। अब आप कैसे देखते हैं इस काम को? सर, मैं ये चाहता हूं कि बहुत जल्दी इसका लोकार्पण हो और ये जल्दी से जल्दी ये रूट चालू हो जिससे हम लोगों को सहूलियत हो। लोगों की जो खुशियां हैं वो उनके चेहरे पे साफ नजर आती है, और जो अब इंतजार है वो लोगों को थोड़ा सा भारी पड़ रहा है, और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो ये डबल लाइन और जो ब्रॉडगेज के जरिए यहाँ से बड़ी ट्रेनें चलेंगी उसका लाभ यहाँ की जनता को मिल पाए। सांसद अजय मिश्र का एक दावा ये भी है कि बीते 5 सालों में सड़कों की स्थिति में सुधार आया है। हालांकि लखीमपुर खीरी को शाहजहांपुर से जोड़ने वाली सड़क की तस्वीरें कुछ और बयां करती हैं। पिछले काफी वक्त से सड़क टूटी हुई है, लेकिन अब तक इस ओर ध्यान नहीं गया है। लखीमपुर में जो सबसे चिंताजनक स्थिति है वो है यहाँ के सड़कों की। ये लखीमपुर से शाहजहांपुर को जाने वाला मुख्य मार्ग है, GT रोड है ये, और लगातार इसकी जो हालत है वो जर्जर होती जा रही है। इसका जिक्र तमाम लोग अपनी बातों में करते भी हैं कि सड़क की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, और जिसकी वजह से इस पर लगातार हादसे होते हैं। और शुरुआती जो सफ़र है लखीमपुर से निकलने का ही लोगों के लिए वो एक बड़ा कड़वा अनुभव देता है। निश्चित तौर पर जो बातें उठ रही हैं सड़क को लेकर, इसको फिलहाल इस पर काम करने की ज़रूरत है, और हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बात करने की जो इस रोड पे यात्रा करते हैं। एक मिनट सर, जो इस रोड पे यात्रा करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है, कितनी जो ये सड़कों में से दिक्कत होती है, किस तरह की प्रॉब्लम आती है। एक मिनट भाई साहब, क्या नाम है आपका? नाम ब्रज किशोर। कब से चल रहे हैं आप इस सड़क पे, कितने सालों से? पिछले साल का वह महीना जो ये सड़कें ऐसे ही खराब रही हैं। हाँ, सड़कें तो या तो बहुत दिन से खराब है। सड़क बहुत दिन से खराब है, और ये लोगों के लिए निश्चित तौर पे एक जो है परेशानी का सबब बनती है। जो ये जर्जर सड़कें हैं, चलने में तो जो दिक्कत होती है, लेकिन जो इस पे हादसे होते हैं, इन सड़कों में जो गड्ढे हैं, जो उसकी वजह से हादसे होते हैं, वो थोड़ा सा चिंताजनक है। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, और एक बार उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, ये सड़कों की स्थिति कब से ऐसे है भाई साहब? अरे ज्यादा दिन से खराब ऐसे हो गई है।
बहुत दिक्कत हो रही है चलने में, गड्ढे उड्ढे बहुत हैं। सर तीन साल से खराब हो रही है, लेकिन हम लोग जब निकलते हैं तो अपना जो है जीवन बचा करने के लिए तब भी जो है जान चली जाती है यहाँ पे। अभी जो है 18-19 तारीख में यहीं पे एक्सीडेंट हुआ था, वो तुरंत लड़का खत्म हो गया, ब्रेक लगाया गाड़ी वाला लेकिन तब भी वो चला गया। अब देखिए स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो दावे सांसद अजय मिश्र की ओर से किए गए थे उनकी हकीकत क्या है और लोग क्या सोचते हैं। लखीमपुर खीरी में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है और खुद यहाँ के जो सांसद हैं वो भी ये मानते हैं कि इसमें सुधार की जरूरत है, उसकी कोशिशें की जा रही हैं। इस वक्त हम जो जिला अस्पताल है लखीमपुर का वहाँ पे मौजूद हैं और इस हॉस्पिटल पे काफ़ी प्रेशर रहता है, खास करके यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं या फिर जो स्टाफ है, क्योंकि प्रतिदिन यहाँ 1000 के आसपास मरीज आते हैं जिनको सभी को देखना पड़ता है और उनके उपचार की व्यवस्थाएं जो है वो भी करनी पड़ती हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? विमला देवी। विमला जी कहाँ से आई हैं आप? धनीगवां से, राजागंज से धनीगवां है। अच्छा, यहाँ पे कैसा है, व्यवस्थाएं मिल जाती हैं चिकित्सा? हम दवा पर्चे न जमा कर पान, घर के हमारे हाथों पर सही नहीं काम करते, हम भीड़ में नहीं घुस पाते, भीड़ में नहीं घुस पाती है, इंतजार करना पड़ता है। आप कहाँ से आई हुई है? क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा, क्या आप आसानी से दिखा लेती हैं डॉक्टर को यहाँ पे जब आती हैं? जी हाँ। आप अपना नाम बताइए। सीमा। सीमा जी, कैसी हैं व्यवस्थाएं यहाँ पे, डॉक्टर मिल जाते हैं, दवा वगैरह मिल जाती है? हाँ, बहुत अच्छी दवा मिलती है, डॉक्टर भी आए हुए हैं। डॉक्टर भी आए हैं। आप कहाँ से आई हुई है, क्या नाम है आपका? पुष्पा सिंह आसा, सैदीपुर रैया। पुष्पा जी, ये बताइए, आप बहुत काफी समय से यहाँ आ रही होंगी, क्या आप लोगों को व्यवस्थाएं यहाँ मिल जाती है, इलाज उलाज सब ठीक है? हाँ सब है। लखीमपुर खीरी में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन डॉक्टरों की कमी और संसाधनों का अभाव साफ तौर पर नजर आता है। यहाँ हम कम से कम 11 बजे से पहले हम ओपीडी ट्रेंड नहीं कर पाते, क्योंकि अंदर पेशेंट इतना रस रहता है, ओवर क्राउडिंग है, हमारे पास बेड है, बेड से भी ज़्यादा पेशेंट रहते हैं तो दूसरे वार्ड में शिफ्ट करना पड़ता है और सुबह उनको एडजस्ट करना पड़ता है, उसके बाद यहाँ आके ओपीडी देते हैं। ओपीडी कम से कम 200 मरीज की ओपीडी रहती है हम लोगों की। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किए गए दावों का जायजा लेने के बाद हमने कुछ और लोगों से बात की कि आखिर सांसद अजय मिश्र के विकास कार्यों को लेकर वो क्या सोचते हैं, तो प्रतिक्रिया मिली जुली रही। उन्होंने कोई काम नहीं किया, हम उनके काम से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, केवल खोखले वादे किए, एक भी वादा पूरा नहीं किया। सड़कों की स्थिति यहाँ पर बहुत ही बदहाल है, लखीमपुर से सिसैया मार्ग पर चले जाइए, गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे आपको, लखीमपुर से इधर गोला की तरफ चले जाइए, गड्ढे ही गड्ढे सड़कों पे हैं। ना कोई शिक्षा का विकास, ना कोई चिकित्सा का विकास, किसी भी क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। जो भी यहाँ पर ब्रांड गेट, बड़ी लाइन का रेल निर्माण का कराया हो, कांग्रेस पार्टी की देन है। पूर्व सांसद जफर नकवी के ही प्रयासों के द्वारा यहाँ पर बड़ी लाइन रेल का निर्माण हो सका है, अभी चालू नहीं हुई है। 5 वर्ष से रेल यातायात बिल्कुल बंद है, 5 साल से निर्माणाधीन है, कोई भी यहाँ पर ऐसी उन्होंने काम नहीं किया है जिससे उनको कोई वो जनता में जा सके। वो अनंत मिश्रा। अनंत, यूथ हो आप जी, एजुकेशन को लेके क्या है यहाँ पे? कुछ नहीं है लखीमपुर में इस समय, एजुकेशन को लेके कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, हम सब बाहर ही जाते हैं देखने के लिए। ये जो है ना, सांसद और बाकी के जो बड़े नेता हैं उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए लखीमपुर के बारे में, अभी तक की बहुत बड़ा चीजें नहीं सोची गई। विवेक, अपने सांसद के काम को आप कैसे देखते हैं, आपको लगता है उन्होंने इतना काम किया है, उनको वोट दिया जाए या फिर राष्ट्रवादी? बिल्कुल दिया जाए, सांसद को लेके नहीं दो वो चल जाएगा, लेकिन मोदी जी के तौर पर बिल्कुल देना चाहिए भाजपा को, क्योंकि जो 70 साल में नहीं हुआ वो अब की हुआ है, इसलिए हुआ है क्योंकि उनका शासन है और सही तरीके से उन्होंने मैनेज किया, इसलिए हुआ है। जहां एक और लोग सांसद अजय मिश्र से नाराज नजर आते हैं, तो कुछ को पिछले 5 सालों के दौरान मोदी सरकार की कार्यशैली खासी पसंद आई है। लोकसभा के चौथे चरण में लखीमपुर खीरी में मतदान होना है और यहाँ की जनता मतदान को लेकर बेहद उत्साहित है, लेकिन इन सबके बीच जो सवाल उठ रहा है वो ये कि क्या जो प्रत्याशी हैं यहाँ के, उनसे जनता को कितनी उम्मीदें हैं, और जो पहले यहाँ से भाजपा के सांसद हैं अजय मिश्र, क्या वो जनता के बीच में रहे हैं और क्या उन्होंने जनता के लिए इतने काम किए हैं कि उन्हें दोबारा से वोट दिया जाए। हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक हमारी खास बहन से। क्या नाम है आपका? देवी। पारुल, ये बताइए कि जो आपके सांसद है अजय मिश्र, उन्होंने कुछ काम किया आप लोगों के लिए? हाँ किया है, हम दिव्यांगों के लिए एक हमारे लिए ये तोहफा दिया है ट्राईसाइकिल के रूप में, जिससे कि हम लोगों को बहुत अच्छी सुविधा मिलती है, आने जाने में तकलीफ नहीं होती है।
मतलब आप उनके काम से संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट हैं, और भी उनके जो भी वादे करेंगे वो अच्छी तरह से निभाएंगे। तो एक संतुष्टि नजर आ रही है जो हमारे स्पेशल लोग हैं, दिव्यांग लोग, उनमें संतुष्टि नजर आ रही है। कुछ और लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। बहुत पुराने वासिंदे हैं आप शहर के, लखीमपुर खीरी के, खास शहर है ये। कहा जाता है कि यहाँ का जो उद्योग है, जो चीनी मिले, यहाँ 9 चीनी मिले हैं और उनमें से सभी की स्थिति ठीक है, शायद भुगतान वगैरह बहुत अच्छा किया गया, कुछ 2-3 की स्थितियां खराब हैं। क्या सांसद महोदय ने जो यहाँ की चीनी मिले हैं उनको आगे बढ़ाने में कोई योगदान किया है? देखिए, चीनी मिल के बारे में मैं बहुत अधिक नहीं जानता हूँ, मैं व्यापारी हूँ, लेकिन जैसा कि पेपर में पढ़ते रहते हैं समय समय पे उसका निदान होता रहता है। अपने सांसद के काम से कितना संतुष्ट है? देखिए, सांसद से हमारा कोई सीधा संपर्क नहीं रहता है, लेकिन अगर हमारी कोई समस्या होती है, उनके ऑफिस में या कार्यालय में हम संपर्क करते हैं तो बात को सुना जाता है, उसका निदान किया जाता है, सुनवाई होती है। एक और सज्जन हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? त्रिपुरारी श्रीवास्तव। त्रिपुरारी जी, जो आपके सांसद हैं उनके काम से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? पिछले 5 सालों में क्या उन्होंने काम किया, आप लोगों के बीच में रहे वो? जी, काम तो उन्होंने किया है, हम संतुष्ट हैं इनसे, मगर हम लोग जाते हैं तो बहुत ही कम मुलाकात हो पाती है सांसद से, और कार भी उनके अच्छे रहे हैं, सराहनीय रहे हैं, और हम चाहते हैं, मोदी जी को चाहते हैं कि मोदी फिर से प्रधानमंत्री देश के बने हमारे। मोदी जी, अधिवक्ता समाज के कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, यहाँ पे 2-3 बड़ी प्रॉब्लम थी। एक तो जैसी जानकारी हमारे पास है कि बरेली से लखनऊ का जो रेलवे ट्रैक था उसका विस्तारीकरण होना था, उसको लेके एक प्रयास जो काफी पहले किया गया था वो पूरा हो गया है, तो सांसद किस प्रयास को कैसे देखते हैं आप? नहीं, सांसद जी ने इसमें बहुत सहयोग किया है, इससे पूर्व में जो सांसद जी रहे उन्होंने भी इस कार्य की शुरुआत की, और उसके बाद में ये सांसद जो वर्तमान है अजय मिश्र टेनी जी, ये उसको पूरा करा रहे हैं और कार्य तीव्र गति से चल रहा है, और निकट भविष्य में बहुत जल्दी ही जो लखीमपुर सीतापुर और लखनऊ के बीच में ट्रेन दौड़ने वाली है। सर, जो यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। पहले अपना शुभ नाम बताइएगा। मैं मोहनलाल मौर्य बोल रहा हूँ। मौर्य साहब, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, लोग यहाँ कहते हैं कि जो 108 यहाँ चलती है, कई बार फोन करिए तो नहीं आती है, अस्पतालों में मशीनें पड़ी हुई हैं लेकिन उनको संचालित करने वाले लोग नहीं, तो स्वास्थ्य सेवाएं क्या सांसद जी का ध्यान उस तरफ नहीं गया, या फिर आप लोगों को लगता है कि ऑल वेल सब ठीक है? स्वास्थ्य सेवाएं लगभग अच्छी हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम रहती है, टेक्निकल प्रॉब्लम रहती है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं जब बस को फोन किया जाता है 108 पे तो आती है समय से, लेकिन कुछ समय रहते आती है, लेकिन समस्याएं तो रहती हैं, लेकिन फिलहाल सही है, जब से योगी जी की सरकार बनी तब से स्वास्थ्य सेवाएं लगभग सुधार आया है। सांसद जी को 10 में से कितना नंबर देंगे अपने आप? सांसद जी बहुत अच्छा काम करते हैं, लगभग 7 नंबर मिलेंगे सांसद जी को, और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो देश के लिए आवश्यक है, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार आतंकवाद पे कड़ा प्रहार किया है, जिससे देश का उत्थान हो रहा है और देश की साख विश्व में बढ़ी है। मिश्रा जी, आपको क्या लग रहा है कि आपके जो सांसद जी हैं उन्होंने 5 सालों में इतना काम किया है कि जनता उनको फिर से चुनोगी? देखिए, बीते 5 साल में जो केंद्र सरकार की योजनाएं थी वो तो लागू हुई, जिनमें आप नाम ले सकते हैं आवास योजना का, उज्ज्वला योजना का या शौचालय योजना का, लेकिन जहां तक खीरी लोकसभा क्षेत्र की बात है, जो बीते 72 सालों में हुआ वही इन 5 सालों में हुआ, ना तो हृदय रोग का इलाज है, ना गुर्दे का इलाज है, ना लीवर का इलाज है, ना न्यूरो का इलाज है, ना किसी कठिन मर्ज का इलाज है, ना कोई विशेषज्ञ डॉक्टर है, 46 लाख आबादी में एक भी कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। अब ये स्वास्थ्य का हाल रहा, शिक्षा पे आइए, शिक्षा में हायर एजुकेशन के नाम पर इस बड़े जनपद में, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े जनपद में, ना तो इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना तो कोई मेडिकल कॉलेज है, ना तो कोई डेंटल कॉलेज है, ना कोई मैनेजमेंट कॉलेज है, ये शिक्षा की बदतर स्थिति है। वर्तमान सांसद ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया, एक ट्रामा सेंटर खुला है अभी तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ, मेरी सीएमओ से बात हुई अभी तक वहाँ डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। 5 साल में जो 5 काम है वो गिनवाने लायक नहीं है सांसद के पास आपके? सांसद का कोई काम गिनवाने लायक नहीं है, प्रधानमंत्री जी योजनाएं हैं, जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं वो तो यहाँ लागू हुई हैं, और ऊपर से प्रेशर पड़ता है तो लागू किया जाता है, कोटा होता है लागू किया जाता है, डीएम से कहा जाता है इतने शौचालय खुलने चाहिए, तब डीएम यहाँ से कहते हैं यस सर खुल गया,
इतनी उज्ज्वला योजना में कनेक्शन होना चाहिए, एक्सीएन कहा जाता है तब एक्सीएन रिपोर्ट देता है, सर हो गया। इस तरह के रूटीन कार्य तो 72 साल से हो रहे हैं। आप लखीमपुर से गोला जाइए, आपका स्कूटर टूट जाएगा, आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो जाएगा। आप लखीमपुर से ससैया जाइए, बड़े बड़े गड्ढे हो गए। आखिर क्यों मुख्यमंत्री जी कहते हैं गड्ढा मुक्त सड़कें, झूठी बातें क्यों करते हैं? यानी सड़कों का बदहाल बहुत खराब स्थिति है, बड़े बड़े गड्ढे, इतने गड्ढे तो बीते 25 साल में नहीं दिखाई पड़े। ये जनता की नाराजगी है जो दिखाई दे रही है कि केवल जो वादे हैं वो वादे अगर धरातल पे नहीं उतरते हैं तो जनता आखिर में क्या सोच के वोट करेगी। कुल मिला के लखीमपुर खीरी जो लोकसभा सीट है इसको लेके लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं। अब देखना ये होगा 29 तारीख को जब जनता मतदान करने जा रही है तो क्या उसके सामने विकास का मुद्दा होगा या फिर जो गठबंधन सामने लड़ रहा है उस तरफ जनता जाएगी। कैमरामैन संदीप बड़ोला के साथ में मयंक राय, जी मीडिया, लखीमपुर खीरी।